फ्रेंचाइजी वालों से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा है कि हम अंबा साहिब के पीछे हैं। अरे जब अपने फ्रेंचाइजी ली थी तब अंबा साहब का इजाज़त लिया था क्या कि अंबा साहब आप बताओ तो हम लें? वो तो खुद कस्टमर हैं, वो क्या करेंगे? तो वो सब ढीले पड़ गए और फ्रेंचाइजी वाले भी सब ढीले पड़ गए। 7 तारीख को कोई मीटअप नहीं हो पाया दिल्ली के जंतर मंतर में, ये है वो है। सब आपको मैं इस कंटेंट में देने वाला हूँ जिसमें आप देखोगे कि किस तरह से एक आम आदमी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और धरना प्रदर्शन तो बहुत दूर की बात है, उनका तो ये हो रहा है कि बस ये जो है सितंबर में आ जाएंगे पैसे, सितंबर से काम चल जाएगा। अरे जैसे ये फ्लाइट चलेंगे सारा काम अस्त व्यस्त हो जाएगा, चले जाएंगे वो यहाँ से, फिर ले लेना पैसे उनसे कि उनके पास कहाँ से लोगे। तो देखिए आप और सुनिए गौर से उनकी रिकॉर्डिंग को। और एक बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फ्रेंचाइजी वाला अपनी बात नहीं सुन रहा है तो अपन सब कस्टमरों को एक होना पड़ेगा, और जो काम वो कर रहे थे अब वो हमें करना पड़ेगा। तो सारे एकजुट रहने की कोशिश करें और हेल्प करें सबकी। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ बताओ। आप बताओ कुछ। हाँ मैं तो यही कर रहा था कि कैसे क्या हुआ, मतलब क्यों नहीं गए? और क्या, कोई भी यार पहल नहीं कर रहा यार। अब मैं अकेला जाके तो क्या करता हूँ वहां पे? तो फिर आप हमको बोलो, हम आपके साथ हैं, और तो क्या करेंगे? पर देखो वहां पे जंतर मंतर पे जाने से तो कोई फायदा नहीं था कैसे फिर मेरे हिसाब से तो, बाकी औरों ने भी भी बताओ लगाए तो, जरा हैं। एक्सप्लेन तो करो। अब इसमें तो क्या है, देखो जो अपन ने मुकदमा कर रखा है ना, इसमें पुलिस ही अच्छा, थोड़ा एक्शन ले जब भी सही। अपन को फायदा मिल सकता है। तो वो पुलिस को तो पैसे खिला रखे होंगे कंपनी वालों ने, तो फिर वो क्यों एक्शन ले लिया? तो हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी खिला पाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं खिला पाएगी, लेकिन वो एक किसी हेड को बता रखी होगी कि आप खिला खिला दो, कुछ भी करो आप, कोई बड़े अधिकारी को, तो फिर वो अपने आप जो भी कोई बात आती होगी, भाई कैसे फिसल के नाम से कोई भी आए तो पहले मेरे पास इन्फॉर्म होना चाहिए, वही वहीं पे दबा दिया उसको बस। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, ये तो बिल्कुल गलत है। यार जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं तो उनकी पावर कहां तक मानोगे आप? हाँ पैसा है उनके पास तो पावर तो होगी फिर। वही तो है, जो इतना इच्छा करके इतना काम कर सकते हैं वो, तो ये तो बहुत छोटा काम है उनके लिए, तभी तो उनके पीछे को सपोर्ट है, तभी तो वो रुके हुए हैं अभी तक, नहीं तो कब का उनका बंडा फोड़ जाता हाँ है कि बिल्कुल, नहीं? मानते हो नहीं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा तो फिर आप इसी वजह से नहीं गए फिर, है ना? नहीं कोई भी नहीं आया ना वहां पे, ना कोई सूचना दी मेरे को किसी ने तो भी आना है अपने को। तो फिर आपने फोन करके पूछा नहीं क्या उनको कि भाई कैसे क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे, क्या बात मैंने है? पूछा एक आध जगह, वो कह रहे यार किसी का मन नहीं है यार, सब ठंडे पड़े हैं। तो ठंडे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि वो SMS उनको मिल गया, अब उसके बाद में कोई रेस्पॉन्स तो है ही नहीं। अब सितंबर आएगी, अब सितंबर आएगी तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और सितंबर गए तो जुलाई में शायद फ्लाइट चालू हो जाएंगे, 15 को 14 को कितने हाँ, दिन और नहीं तो क्या, में फ्लाइट निकल चालू होने के जाएंगे। बाद में वो आपको इन्फॉर्म तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ रहते हो बताओ। अब तक तो वो सब पूछ रहे हैं, आपको पैन कार्ड भी नंबर पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, बाद में हाँ कोई बिल्कुल ये भी बिल्कुल। नहीं हाँ पूछेगा। आपने वहाँ रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें देखो, हाँ भाई भेजी थी ना मैंने और भी आपको रिकॉर्डिंग आई रिकॉर्डिंग। थी। हाँ और भी रिकॉर्डिंग आई थी हाँ तो बताओ। और उसमें ये पैन नंबर भी पूछ रहे थे। एक सज्जन ने तो ये कही कि पैन नंबर मैं क्यों दूँ, ये तो सीक्रेट जानकारी है, उसे वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। अरे काहे का वेरिफिकेशन, अरे अरे पैसा तो तब नहीं हमको पूछा यार। था कि वेरिफिकेशन ये सारे कुछ हो रहा था, डॉक्यूमेंट सारे लगाए थे उस टाइम पे, तब तब कर दिया था ना वेरिफिकेशन, तो अब हाँ वो तो दोबारा कर दोबारा दिया। किस बात का वेरिफिकेशन कर रहे हो आप? और क्या, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट भेज रखे हैं, हाँ फिर उनको क्या जवाब मिला फिर? वही मिला कि भैया वेरिफिकेशन करवा लो, और उसके बाद में वही 15 से 30 सितंबर, ये तो वो खुद ही कह रहे थे सज्जन जो बात कर रहे थे ना भाई। और भी कस्टमर ने करी होगी और उन्होंने करी होगी, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी हाँ, होगी तब प्रयास करी सभी कर रहे थे, फोन वगैरह सब कर ही होंगे, कर ही रहे होंगे, इसमें क्या? कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका इसमें फिर अब आगे का क्या एक्शन है मतलब? और सलन जी मैं तो बिल्कुल वास्तव में परेशान हो गया हूँ, जो आप जैसे मेरे साथी हैं, जितना हाँ आप सपोर्ट कर रहे हो वो बिल्कुल कर ही रहे हो, ये बिल्कुल चीज तो मैं ही बिल्कुल मान रहा हूँ। बिल्कुल
बाकी और भी कर रहे हैं, अब कर रहे हो क्या करें, रास्ता के दिख नहीं रहा, क्या करना चाहिए अपन को? अब ये तो वही हाल हो गया जैसे महात्मा गांधी को कुछ नहीं मिला था अंग्रेजों के टाइम पे, तो उसने धरना दिया था। देखो सीधी सी बात तो यही है, गवर्नमेंट को अगर जगाना है तो यही काम बचा हुआ है लास्ट अपने पास। अरे अपन ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं कि भाई आतंकवादी बन जाए उनको कहीं ढूंढते डाले, ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना। अपन आम आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली से सब बिलोंग करते हैं, तो कुछ बड़ा काम तो हमसे होगा नहीं। तो ये काम सुटेबल है, जो काम अपने हो सकता है वो ही करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा बताओ। तो अगर आप अगर करने की कोशिश करोगे तो आपके पास में तो 650-700 आदमी लग के हम लग जाएंगे, और नहीं तो क्या भाई, काम वाम तो बाद में देख लेंगे और तो क्या। लेकिन ये काम तो हो पहले, धरने में अगर 5-7 दिन भी हम रुक गए तो फिर गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा, और एक बार भूख हड़ताल का नाम हो जाएगा तो वैसे प्रेस हो जाएगी, प्रेस आने के बाद तो कहीं मतलब ही नहीं है उनका कहीं जाने का, समझ रहे हो आप। बैनर वैनर लगा के चाहे अपने ही अलवर में लगा दो ना, वहां पर भी बहुत कुछ है, जरूरी नहीं है कि दिल्ली में जाकर के उनके कान के पास में बोलना जरूरी है। बस आप तो खड़े रहो अपनी जगह पे कि हाँ मैं हूँ खड़ा, और आप आओ फिर देखो आगे काम, कमाल ही कमाल है। इसमें अम्मा साहब के नंबर है क्या आपके पास? नहीं सर, उनके साथ नंबर नहीं है मेरे पास। क्यों, उनका कुछ हुआ नहीं क्या, उनके साथ कोई आप कांटेक्ट था? आप तो बोल रहे थे कि मेरा उनसे है। हाँ कांटेक्ट है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अच्छा, बाकी वो ठंडे पड़ गए, उसके बाद में क्या सभी ठंडे पड़ गए? वो ठंडे पड़ गए तो उनको पैसे मिल गए होंगे, तो वो ठंडे पड़ने थे ही, हो सकता है ना। वो तो यार ईमानदार आदमी मेरे सर जी, पैसा सब कुछ भुला देता है आदमी का, ईमानदारी गई भाड़ में, पहले पैसा आ गया बस छोड़ो सब कुछ हो गया काम। ये बात तो आप लेके मत चलो बिल्कुल भी, पैसा हर बड़े मतलब आदमी को पैसा लगाने की वो होनी चाहिए औकात, फिर बड़े बड़े आदमी भी है ना वो नीचे से उतर जाते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चीज तो मसले हो आपकी, ईमानदार है ये है वो है, अन्ना हजारे जैसे आदमी थे यार वो भी, क्या नाम है, पहले तो बहुत हल्ला बोलते थे, अब क्या हल्ला हो गया उनका, वो जानता भी है नाम उनका? हाँ केजरीवाल जानते हैं। हाँ केजरीवाल जानते सर, तो ये वाली बात है प्रॉब्लम। तो सर आप ये करवाओ यार, आप बोलो हल्ला, फिर आपके साथ हमने हो ना, फिर आप बात करना ना, आप तो मिलोगे यार। हाँ तो आप हल्ला हल्ला आप हल्ला बोलो, फिर आपके साथ हमें किस तरीके से करना चाहिए अपने? किस तरीके से नहीं, यही करना है कि भाई मीटअप हम अलवर में करेंगे। अब चलो छोड़ो उसको अभी, दिल्ली को छोड़ो, आप अलवर में मीटअप करेंगे और धरना प्रदर्शन होगा वहां पर प्रॉपर, और सारा काम जैसे चलना चाहिए था वैसे चलेगा, मतलब भूख हड़ताल पे बैठेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन रहेंगे, एक दिन भूख रहेंगे दूसरे दिन भूखे रहेंगे, अपने आप गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा अपनी बात। हाँ जी क्या बात है, क्यों धरने बैठे हो, क्या चक्कर है? अरे अब तो मोदी की सरकार होते हुए सर आप इतना घबरा रहे हो क्यों? नहीं मैं घबरा नहीं रहा हूँ, घबरा रहे हो आप तो किसी दूसरे बंदे का नाम ले रहे हो, बताओ। वो तो ऐसा आदमी था जो पहले इसकी बड़ाई कर रहा था, फिर इसकी बुराई करने लग गया, अब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, अभी तक मैंने उनकी एक भी वीडियो नहीं देखी है उसके बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई वीडियो नहीं। फिर बताओ ऐसे आदमी पे कैसे विश्वास होगा? तो आप उनको छोड़िए, आप और हम सब मिलकर ही करेंगे कुछ करेंगे। चलो ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मैं करता रहूंगा आपके पास कॉल, है ना। और बाकी बताओ यार आप कुछ करके, है ना, कोशिश तो करोगे ना सर? हाँ तो सारे काम है ना हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी जी, कोशिश के बिना कुछ नहीं है, मतलब कोशिश करने पे ही मिलेगा सब कुछ मिलेगा जो। बिल्कुल बिल्कुल वही तो, घर बैठे रहेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब ही नहीं। अब वही तो हाल है, हमारा तो कोई नहीं, 3-4 लाख रुपए हैं, इनका तो हो जाएगा कुछ भी, लेकिन आपका कितना है, फिर और लोगों का पता नहीं कितना कितना है, तो वो लोग तो सब आपके ऊपर आस लेके बैठे हुए हैं। नहीं तो वो अगर आप उनको बोल दो कि अपने स्तर पे कुछ करो, तो फिर अपने स्तर पे कुछ करेंगे, करेंगे क्या? फिर वो भी वही करेंगे, जहां तक आप पहुंचे हो वहां तक वो पहुंचेंगे। भाई पुलिस केस कर दिया, गवर्नमेंट को बहुत बता दिया बस उन्होंने, तो ये काम कर दिया, उसके बाद में पुलिस वाले अपना काम करते रहेंगे, तो ये बड़ा इशू कभी बन ही नहीं पाएगा। मतलब ये पुलिस में तो अपना दे रखा है वो कॉपी। हाँ तो ये पुलिस में तो पता नहीं कितने केस चल रहे हैं सर, ये बड़ा ही सुनी है ना, मतलब जनता कब जागती है जब कुछ अलग होता है, मतलब जी ये है। अब आपने हमने सब ने धरना प्रदर्शन किया, न्यूज पे आई, 2-4 बार न्यूज में आई, तो गवर्नमेंट को अपने आप ही आना पड़ेगा सर। मुख्यमंत्री आया अलवर का मान लीजिए, या फिर कोई और बड़ा अधिकारी आया ना आपके पास, गवर्नर वगैरह,
तो अब उनका आने से बहुत कुछ फायदा होता है। नहीं, ये चीज तो बिहार में हो चुकी है। क्या हुआ फिर उनका? कुछ भी ना, जांच हो रही है। वो भी यही बोल रहे जांच हो रही है, वहाँ पे कर चुके हैं। हाँ, एसपी ऑफिस के सामने कुछ दो चार घंटे के लिए बैठे थे, फिर एसपी को तो आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो एसपी तक तो नहीं, हमको तो पूरा वो चाहिए, मतलब आगे तक का, मतलब ऐसे एसपी से नहीं मानेंगे हम तो। इस तरह से करके हम बड़े से कोई अधिकारी नेता से उसका पूरा का पूरा मतलब प्रेस आनी चाहिए, और उसके सामने वो बोले ना, वो तब है मजे। अब एसपी ने बोल दिया और उन्होंने 4 लोगों 10 लोगों ने 600 लोगों ने सुन लिया, ये तो मतलब देश को, पूरे देश में पता नहीं कितने लोगों को देश को बनाया है, तो सबको पता चल चलना चाहिए ना। अब आपको पता है, बताओ मेरे को पता भी नहीं, आदमी को पता है आदमी को नहीं पता है तो फिर क्या मतलब, कस्टमर को ही नहीं पता इस चीज के बारे में कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या करें हम, कहाँ जाए, किसको बोले, कुछ नहीं पता है। तो ये करवाओ यार, आप ये चालू करवाओ, फिर साथ हम आपको देने के तैयार हैं। पता कोई भी ऐसा कोई बंदा हो जाए आपको ऐसे मना कर दे तो ना कोई भी कोई नहीं देगा, वो सब आपके साथ रहेंगे। अब कोई कई लोग तो आपके ऊपर भी ये लांच लगा रहे हैं कि शायद आपने पैसे खा रखे इसलिए आप चुपचाप बैठे हो। नहीं तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन लग रहा है ना लांछन, तो उसको करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे तभी तो कुछ होगा। नहीं, लोग ये कह रहे हैं मनोज तने पैसा मेरा फंसवा दिया,